फिल्म चिड़ियाखाना सिनेमा घरों में खूब सराही जा रही है। फिल्म 2 जून को रिलीज हुई थी। देश के तमाम शहरों में इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। खासकर मुंबई, दिल्ली, पटना और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों के सिनेमाघरों में दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। बिहार के कई शहरों में ये फिल्म हाउसफुल जा रही है। खास बात ये है कि शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं का रुझान काफी देखा जा रहा है। युवाओं और खिलाड़ियों में चिड़ियाखाना की खूब चर्चा है। जहां बड़ी फिल्मों के लिए पूरे सप्ताह सिनेमाघरों में टिकना मुश्किल है, वहां चिड़ियाखाना की सफलता चौंकाती है। कई समीक्षकों ने चिड़ियाखाना को बहुत खराब रेटिंग दिया, लेकिन दर्शकों से हमें फुल मार्क्स मिल रहे हैं। हमें खुशी है कि चिड़ियाखाना हमने जिन दर्शकों के लिए बनाया था उन्हें बेहद पसंद आ रहा है। आपको बताते हैं चिड़ियाखाना की कहानी। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC ने प्रस्तुत किया है। चिड़ियाखाना एक बिल्कुल अलग थीम पर बनी है। इस फिल्म में रवि किशन के अलावा एक्ट्रेस अवनीत कौर, एक्टर ऋतिक सहोर और अंजन श्रीवास्तव लीड रोल में हैं। चिड़ियाखाना एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में ऋतिक सहोर है। उनका किरदार बिहार के एक लड़के का है जो अपनी माँ के साथ मुंबई के चौल में रहता है, जो फुटबॉल के जुनून के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ता है। इस प्रक्रिया में ना केवल खुद को बल्कि अपने दोस्तों और अपने स्कूल को भी सशक्त करता है, दुश्मनों को दोस्त बनने पर मजबूर करता है। फिल्म के निर्देशक मनीष तिवारी मानते हैं कि चिड़ियाखाना खेल भावना और एकजुटता की कहानी है, और यही एकजुटता संदेश लोगों को खूब पसंद आ रहा है। देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बायोस्कोप।